हमारे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज के वीडियो में हम बताएंगे, ये हमारा फाइकस प्लांट है और इसको हम बोनसाई बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये लगभग 3 साल का हो चुका है। हमने साल भर पहले इसको रूट और रॉक बोनसाई बनाने की तैयारी में है और पत्थर में इसके जड़ को जकड़े हुए हैं। आज इसका ओपनिंग है और आज ओपन करके हम आप लोग को दिखाएंगे कि इसका जड़ कैसा कैप्चर किया है पत्थर को। इस तरह से प्लास्टिक के जो घेरे में इस पौधे को रखा गया है, अब ये प्लास्टिक के घेरे को हमने लॉक को निकाल कर मिट्टी और पत्थर के साथ हार्ड, अगर मिट्टी हो वाकई अगर हार्ड मिट्टी बनानी चाहिए, लेकिन आपका मिट्टी हार्ड हो तो उसको पानी से साफ कर लें, जैसे पिछले वीडियो में हमने बताया। पिछले वीडियो में हमने ये बताया था कि रूट और रॉक बोनसाई बनाए कैसे हैं, उसको अभी रखे हैं हम लोग। आज इसका ओपनिंग है और अभी हमको भी पता नहीं है कि ये क्या रूप लिया है अंदर। अब इसको हम पानी से धो लेंगे ताकि इसका जड़ को खरोच ना आए और नुकसान ना। साफ करने के बाद हमारा बोनसाई ये रूप ले चुका है। आप देख रहे होंगे कि ये इसके सारे जड़ पत्थर को पूरी तरह से कैप्चर कर लिया है। ये पूरी तरह से रूट और रॉक बोनसाई कहला रहा है और 1 साल से हमने इस पत्थर में इसको जकड़ के रखा हुआ था, जैसे हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया। अभी हम तो दोस्तों इसका रिपोर्टिंग हम करेंगे क्योंकि साल भर से यही पुराने मिट्टी में था, नया पॉट में लगाएंगे। वो पॉट भी हमारा हाथों से बनाया हुआ पॉट है। तो जो ये पॉट देख रहे हैं वो भी हमारे हाथों से बनाया हुआ है और एक खूबसूरत पेंटिंग हमने इसमें किया है, तो आप भी ऐसा पॉट बना सकते हैं। पिछले वीडियो में हमने ये वीडियो पॉट बनाने का ट्रिक आप लोग को हम बताए। जब भी आप पॉट खरीदें दोस्तों या बनाएं तो पर्याप्त तरीके से होल होनी चाहिए। होल में आप ऐसे ईंट का टुकड़ा या कपड़े का टुकड़ा मिट्टी का ये इसका ईंट का डाल बस। दोस्तों छोटे छोटे हम मॉस लोग को लगा रहे हैं क्या कि गर्मी के दिनों में ये जड़ लोग को प्रदान करता है, ठंडा रखता है, इसलिए हम इसको फिर से लगा दे रहे हैं। हार्ड रिपोर्टिंग किए हैं, जड़ को पूरा वो किए थे, साफ किए थे, तो जरूरी है कि इसके लिप को हम ट्रिम करेंगे और लिप बड़े बड़े पत्ती हम काट देंगे। कारण ये है कि अभी नया मिट्टी हम डाले हैं तो इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगा। बड़े पत्ती को हम हटा देंगे और छोटे पत्ती रहेगा तो कम एनर्जी में ही ये जीवित रह जाएगा। अभी 15 दिन हम इसको ध्यान रहे हैं दोस्तों कि 15 दिन कम से कम इसको हम छाँव वाली जगह में रखेंगे, बिल्कुल भी हार्ड धूप में या तेज धूप में नहीं रखेंगे। तो हम इसका प्रूनिंग कर रहे हैं दोस्तों और आप देख रहे हैं इसमें अभी ब्रांच कटिंग करने की अभी ज़रूरत नहीं है, तो अभी बस पत्ती को बस हटा रहे हैं हम, ब्रांच कटिंग बाद में करेंगे। तो आप देख रहे हैं कि एक ट्री का रूप ये ले चुका है, बहुत ही सुंदर। दोस्तों और जब जब आप लीफ को इसके काटते जाएंगे, बड़े पत्तियों को काटते जाएंगे तो इसमें छोटे पत्ती आते जाएंगे और पत्ती का साइज हमेशा छोटा होते जाएगा, तो एक ट्री के रूप में ये बहुत ही अच्छा जल्दी अपना ट्री रूप ले लेगा, पेड़ जैसे दिखना चालू कर देगा। तो हम इसके सारे अभी बड़े पत्तियों को हटा दे रहे हैं।
दोस्तों हम इसका प्रूनिंग कर चुके हैं। कुछ कुछ ब्रांच का हमने जब पत्ती जब हटाया तो ये देखने को मिला कि कुछ कुछ ब्रांच लंबा हो गया है, तो उसको जैसे कि ये वाली ब्रांच है, ये वाली ब्रांच को हम यहाँ से अगर कटिंग कर देंगे तो दो शाखा और निकलेगा। तो कुछ कुछ जो ब्रांच लंबा हो गया है उसको हम कटिंग कर देंगे घना बनाने के लिए। तो देखिएगा जैसे कि ये यहाँ से इसको हम कटिंग कर देंगे और ये वाली ब्रांच को यहाँ से कट कर देंगे और यहाँ को हमने कटिंग किया है, अभी ये कटिंग हो गया, ये हो गया। तो आप पर्याप्त मात्रा में पानी डालें और जब रिपोर्टिंग करें तो 15 दिन कम से कम छांव वाली जगह में रखें, डायरेक्शन धूप के प्रकाश में मत रखें इसको, और पर्याप्त मात्रा में पानी डाल दें। तो दोस्तों इस प्लांट का सारा काम, इस बोनसाई का सारा काम हो चुका है। अब ये लगभग एक महीना में पूरी तरह से नए पत्ती आ जाएंगे और बहुत ही सुंदर रूप दिखेगा ये। तो दोस्तों वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों, उससे हमको मनोबल मिलता है दोस्तों। और इस चैनल में आप नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, बेल आइकन को दबाइएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मिलता रहे आप लोग को। थैंक यू दोस्तों।